रूस एक महाशक्तिशाली देश है और इसमें कोई शक नहीं है कि अकेले किसी भी देश में रूस से लड़ने की ताकत नहीं है। यूक्रेन जंग को लेकर लोग भली भांति जानते हैं कि ये जंग मिनटों की नई सेकेंड की है, लेकिन यहाँ आम जनता के चलते ये युद्ध इतना लंबा खींचते चला जा रहा है। रूस के पावर के बारे में अंदाजा इसी से लगा ले कि वे चाहे तो सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन को खत्म कर सकता है और सिर्फ 10 सेकेंड में पूरे फिनलैंड को उड़ा सकता है। नाटो और पश्चिमी देशों की चाल है कि रूस से सटे देशों को नाटो की सदस्यता दे दें और फिर रूस पर कार्रवाई करें। फिनलैंड और स्वीडन भी इन दिनों नाटो के बहकावे में आ गए हैं, जिसके बाद रूस ने कहा कि नाटो के भ्रम में रहकर बड़ी गलती मत करो वरना पछताना पड़ेगा। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी दी है कि उन्होंने नाटो से जुड़ने का ऐलान करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बता दें कि यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच फिनलैंड की सरकार ने रविवार को नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम ऐलान कर दिया। इसके कुछ घंटों बाद स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी नाटो सदस्यता के लिए एक योजना का समर्थन कर दिया। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई राकायकोव ने सोमवार को कहा कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होना एक गलती है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और वैश्विक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन होगा। इंटरफैक्स ने बताया कि रायकोव ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन को इस बात का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि रूस उनके फैसलों को आसानी से स्वीकार कर लेगा। नाटो के अपनी सीमा के करीब पहुंचने को लेकर रूस का रुख लंबे समय से तंग रहा है। ऐसे में ताजा घटनाक्रम से मॉस्को को और गुस्सा आना तय है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को पहले ही फिनलैंड के राष्ट्रपति को चेतावनी दे चुके हैं कि संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। बता दें कि इन दोनों देशों को नाटो में शामिल कर पश्चिमी देश इस जंग को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। आने वाले दिनों में दुनिया का जो हाल होगा उसके लिए ये पश्चिमी देश ही जिम्मेदार होंगे। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन का कहना है कि नाटो सदस्यता के साथ अगर हम पर हमला हुआ तो हमें मदद मिलेगी, अगर किसी अन्य सदस्य राष्ट्र पर हमला होता है तो हम मदद करेंगे। नाटो की सुरक्षा गारंटी फिनलैंड की सुरक्षा के निवारक प्रभाव को काफी बढ़ाएगी। नाटो के भीतर फिनलैंड के मुख्य कार्यों में से एक अपनी रक्षा सुनिश्चित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।